ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, आज संडे के दिन में आप लोग को रिवीजन क्लास दे रहे हैं जो रिकॉर्डेड है। कारण लाइव में हम लोग ले रहे थे और आधी क्वेश्चन चली थी कि कट गए, मैचिंग टेस्ट बट गए थे, इसे इसका नाम स्पेशल संडे रिवीजन क्लास रखा गया है। ये रिवीजन आपका एन एपिटाप से होगा। एन एपिटाप का मतलब स्मृति लेख, जो किसी मृत के यादगारी में लिखी जाती है। इन एस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड बॉडी, इसे कहते हैं एन एपिटाफ। तो एन एपिटाफ की रचना किसने किया? वाल्टर डेलामेयर ने। और सभी परिचय तो हम लोग पिछले रिकॉर्डिंग में दिए हुए थे कि केंट इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे 1873 में। 1953 में इनको मैरिट के लिए ऑनर किया गया था क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा, और 1956 में वे इस दुनिया से उठ गए। इनकी अधिकांश कविताएं सपनों पर आधारित होती है। ये चिल्ड्रन पोएट के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें इनकी प्रेमिका जब गुजर जाती है और कब्र में समासी जाती है, ग्रेव में, इन ग्रेवयार्ड में थी कब्रगाह में, तब ये रोते बिलखते हुए एक कुछ लाइन्स को कंपोज करते हुए उसके बारे में स्मृति लोक जो लिखा उसी का विवरण है। वे कहते हैं, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पड़ी हुई है एक अधिक ही सुंदर नारी। लाइस्ट अप स्टेप एंड हार्ट वासी, मेरे दिल में रहती थी और हल्के हदम कदम बढ़ा करके चलती फिरती थी, घूमती थी। आज अंतिम समय वहीं बिताई। आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मेरा मानना है कि सबसे सुंदर नारी वही थी। डैट वॉज एवर इन द वेस्ट कंट्री, जो पश्चिम देश में कभी भी हुई हो। कभी ये भी जानते हैं कि सुंदरता परमानेंट नहीं होता, इसलिए कहते हैं ब्यूटी डिसअपीयर्स, ब्यूटी पासेस, यानी डिसअपीयर्स यानी वैनिशेस। ब्यूटी तो गुजर जाती है, ब्यूटी पास हो जाती है यानी कि गायब हो जाती है। परंतु सच ब्यूटीफुल लेडी इज रेयर रेयर इन द वर्ल्ड, है ना। लेकिन ऐसी ब्यूटीफुल लेडी जो है वो रेयर रेयर इस वर्ल्ड में, खास कर इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश की नारी बहुत मुश्किल से होती है। लास्ट लाइन कवि ने ये लिखा है, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, यानी हु विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, पश्चिम देश की इस नारी को तब कौन याद करेगा जब मैं मर जाऊं। जब मैं मर जाऊं तो इस पश्चिम देश की नारी को याद कौन करेगा। ये नारी पश्चिम देश से बिलोंग करती थी। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखें। इनके हम जो बोले हैं वो पिछले वीडियो में भी था, इसलिए इसको थोड़ा कभी परिचय छोड़ के हम लोग ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं डायरेक्ट। आइए, ये आपके सामने है क्वेश्चन। वाल्टर डेलामेयर पैदा हुए थे, वाल्टर डेलामेयर बॉर्न इन, ऑप्शन वन है 1873 टू 1956, 1874 एंड 1923, 1885 एंड 1937, नन ऑफ दीज। आपको एक चुनना है मेरे बच्चे। आई लाइव क्लास नहीं है इसलिए मोबाइल रखता हूँ और सीधे आपका क्वेश्चन जल्द में करवा देता हूँ, ताकि आपके समय बचेंगे, डेटा बचेंगे, पैसे बचेंगे। आइए, तो मेरे हिसाब से ये सही आंसर है ए, 1873 पैदा हुए, 1956 में मरे, आंसर ए। दूसरा है वाल्टर डेलामेयर वाज ए फेमस, वाल्टर डेलामेयर एक प्रसिद्ध क्या थे, वार पोएट, रोमांटिक पोएट, चिल्ड्रंस पोएट या नेचर पोएट। इन चारों में से एक जवाब आपका सही है। आपके हिसाब से चिल्ड्रंस पोएट थे और ये जवाब आपका सही हो रहा है। ऑप्शन आपका बी जा रहा है। कौन सा जा रहा है? बी। इसलिए हाईलाइट क्यों ना कर लें हम लोग, देखिए चिल्ड्रंस पोएट। तीसरा है वेयर डज द लेडी लाई, लाई का मतलब पड़े रहना, लेडी कहाँ पड़ी हुई रहती है, कहाँ पड़ी हुई है। आप देखें ग्रेवयार्ड कब्रगाह में, या बेड पर, या पार्क में, या होटल में। तो लेडी ग्रेव यानी ग्रेवयार्ड में, कब्र यानी कब्रगाह में पड़ी हुई है, ना होटल, ना बेड, ना पार्क। इसलिए आंसर ए आपका सही हुआ। चलो हाईलाइटेड करते हैं इसको भी, देखते हो ना हल्का येल्लो कलर मार दिया। चौथी लाइन है द लाइन आई थिंक से वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, ये लाइन जो है कि मेरा मानना, मेरा सोचना है कि सबसे सुंदर नारी वही थी, ये किस कविता से ली गई है? स्नेक से, और टू ऑटम से, फायर हिम से, या एन एपिटाफ से? जैसा कि आप लोग जानते हैं कवि स्मृति लेख में लिखे हैं कि मेरा मानना है कि सबसे सुंदर नारी वही थी, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। तो अब आप लेंगे ऑप्शन डी।
गुड। पांचवी है, फिफ्थ क्वेश्चन इज हियर, वाल्टर डेलामेयर रोट या कंपोज्ड? वाल्टर डेलामेयर ने लिखा या रचना किया, इन दोनों में से कौन करता है उसे? दो ऑप्शन और भी है, पर दो ऑप्शन में आपको चुनने के लिए कहा जाए 50-50, तो 50-50 ऑप्शंस में एन एपिटाफ का ये वाल्टर डेलामेयर है ना रचना किए हैं। चलिए बी, आंसर बी हो गया। वैसे ऑप्शन आपको सी में था सोल्जर और डी में स्वीटेस्ट लव, लेकिन दोनों में ही आंसर मिल गए थे। सिक्स क्वेश्चन है, वाल्टर डेलामेयर विप्स बिटरली, बिटरली माने फूट फूट कर, विप माने रोना, वाल्टर डेलामेयर फूट फूट कर रोते हैं एंड एक्सप्रेस सैड फीलिंग फॉर, और अपने दुख भरे भाव की अभिव्यक्ति करते किसके लिए? नंबर वन नेबर पड़ोसी के लिए, नंबर टू बॉयफ्रेंड पुरुष मित्र के लिए, नंबर थ्री लेडी के लिए, या नंबर फोर वेल्थ धन के लिए। आपको मालूम है ब्यूटीफुल लेडी की चर्चा है इसमें, अतः लेडी के लिए ही आंसू बहा रहे हैं, लेडी के लिए ही वो सैड फीलिंग व्यक्त कर रहे हैं, अतः मेरे बच्चे आंसर सी हुआ, सी हमने हाईलाइट करा। इन विच कंट्री सच ब्यूटीफुल लेडी वॉज नेवर बॉर्न, कौन सी ऐसी देश है जहाँ ऐसी सुंदर नारी कभी पैदा न हुई हो? ऐसे सुंदर नारी जहाँ पैदा नहीं हुई हो वो ईस्ट कंट्री नहीं था, साउथ कंट्री नहीं था, नॉर्थ नहीं था, वो तो वेस्ट कंट्री था, अतः हाईलाइट हम लोग इसको करें बी को, वेस्ट कंट्री को। व्हाट बेनिसेस और पासेस, बेनिस मीन्स गायब हो जाना, डिसअपीयर, एंड पासेस माने गुजर जाना, कौन सी ऐसी इन चारों में से जो गुजर जाती है, गायब हो जाती है, बट रेयर इन द वेस्ट कंट्री, इन पश्चिम देश में बड़ी मुश्किल से होती है? नंबर वन ब्यूटी, नंबर टू बॉडी, नंबर थ्री ग्रेव, नंबर फोर नान। तो ब्यूटी पासेस, ब्यूटी बेनिसेस, ब्यूटी गायब हो जाती है, ब्यूटी गुजर जाती है, ऑप्शन मेरा ए है, आंसर सही आंसर आपके सामने ए है, तो हम लोग हाईलाइट करें, जी हाँ ए। क्वेश्चन अगला है नाइन नंबर, हु इज आई इन द पोएम एन एपिटाफ, एन एपिटाफ नामक कविता में आई शब्द किसके लिया गया? चूंकि कवि खुद ही वर्णन करते हैं, खुद ही रोते बिलखते हैं, आई शब्द कवि के लिए किया गया। When I think, जब बोलते हैं कि जब मैं सोचता हूँ, I think मेरा सोचना है, मानना है कि she was the most beautiful lady, ये सबसे सुंदर नारी थी। दूसरा लाइन में कहते हैं कि who will remember when I crumble, कौन याद करेगा जब मैं मर जाऊँ, इन मैं का मतलब कवि, पोएट, पोएट का नाम रहे या द पोएट रहे, आंसर नाइन ही सही है। Who says when I crumble who will remember, कौन बोलता है इसमें कि जब मैं क्रम्बल मिस डाई मर जाना, हु विल रिमेंबर, तो याद भी कौन करेगा? इसका ऑप्शन एक सही है, द पोएट वाल्टर डेलामेयर ही, खुद ही, बाकी तीन ऑप्शन जो आ रहे हैं वो गलत हैं, आपका आंसर ऊपर सही है। यहीं पर हम लोग दसवां तक रुके थे और इसके आगे जारी रखते हैं, तो ये तीन ऑप्शन लेडी, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज गलत है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये कविता का अंश है, द पोएट सेज डैट, कवि कहते हैं कि कोई याद भी नहीं करेगा, नो बडी विल रिमेंबर हर आफ्टर ही डेथ, उनकी मृत्यु के बाद, तो लाफ कॉल इनवाइट नहीं बल्कि रिमेंबर, कोई उसको याद भी नहीं करेगा जब मर जाएंगे वो, तो है ना, इसलिए कभी पश्चाताप करते हैं। हु वाज लाइट अप स्टेप एंड हर्ट, इन चारों में से कौन थी जो हल्के हल्के कदम से चलती थी यानी घूमती टहलती थी एंड हृदय थी यानी हृदय में बास करने वाली वो थी, वो थी एक ब्यूटीफुल लेडी, है ना, अगली लेडी नहीं, कुरूप नारी नहीं, मैड पागल नहीं, ओल्ड बुढ़ी नहीं, बल्कि थी एक ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर नारी थी, इन चारों में उसी का ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, अब आप देख रहे हैं हम देने जा रहे हैं, हु विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल, कि कौन याद भी करेगा, रिमेंबर मैंने याद करना, व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊं इन डाई, हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन किस कविता से ली गई, संबंधित क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कविता का नाम आपका एन एपिटाफ ही है, इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप, इसी कविता से ली गई है। अब तीन चार लाइन में से एक लाइन चुनने दिया जाएगा किस कविता से है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह एक सबसे सुंदर नारी थी, या हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, या पड़ी हुई एक खूबसूरत नारी, ए मोस्ट ब्यूटीफुल मैंने बहुत ही सुंदर, और द मोस्ट मैंने सबसे सुंदर, सच लेडीज रेयर इन द वेस्ट कंट्री, ऐसी लेडी मुश्किल से पश्चिम देश में होती है, इसमें से कोई लाइन दे दे अगर किस कविता का आंसर है, किस कविता से ली गई है, तो एपिटाफ से, और कहता बाय, बाय मैंने किसके द्वारा ये कविता की रचना की गई, बाय वाल्टर डेलामेयर, आंसर आपका ऊपर ही है, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ए ऑप्शन सही है, और फिर हम लोग हाईलाइट करते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन सब भी आएगा लेकिन वो सब ऑप्शन बेकार है, देखिए सोल्जर है नहीं, स्नेक है नहीं। अब 15वीं नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर, वाल्टर डेलामेयर हम लोग को सजग करते हैं, कौन सी के प्रति,
इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति के प्रति, अमानवीय स्थिति इनह्यूमन कंडीशन, आखिर ये ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन है ए, 15A। देखते हैं ना, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज ऑनर्ड फॉर हिज मैरिट बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इन 1953। किनको क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा मैरिट के लिए सम्मान किया गया था 1953 में? तो आप जानते हैं क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा 1953 में मेधा के ऑर्डर में, क्रम में उनको वाल्टर डेला मेयर को सम्मानित किया गया था, है ना? तो वाल्टर डेला मेयर ये नाम होगा, कमला दास, डी एच लॉरेंस, जॉन किट्स नहीं, वाल्टर डेला मेयर। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच कंट्री दैट ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग टू, किस कंट्री में और ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग करती है ना, ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? तो वेस्ट से, ईस्ट से नहीं, साउथ से नहीं, नॉर्थ से नहीं, आपका वेस्ट कंट्री। एंड 18 नंबर, हु इज लाइंग इन द ग्रेव, कब्र में कौन समाया हुआ है? ब्यूटीफुल नारी, सुंदर नारी, या ऑर्डिनरी नारी, साधारण एक्ट्रेस नारी नहीं, ए ब्यूटीफुल गर्ल, इन तीनों में से ऑप्शन आपका सही पकड़ में यही आता है, ए ब्यूटीफुल लेडी पड़ी हुए कब्र में समाई हुई है और हल्के हल्के कदम से चलती थी और अंतिम समय वहीं बिताई, शी स्पेंट हर लास्ट मोमेंट देयर इटसेल्फ एंड नाउ शी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, दुनिया में अब नहीं रह गई, इसलिए मेरे बच्चे थोड़ा देख करके। 19 नंबर क्वेश्चन आपका रहा है, व्हाट इज नॉट परमानेंट, परमानेंट कौन सी नहीं होता, यानी अस्थाई कौन सी नहीं होता, बट रेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन दुनिया में बड़ी मुश्किल से पाई जाती है, मिलती है, ये ब्यूटी है जो परमानेंट नहीं होते लेकिन बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं, अगलीनेस नहीं, कुरूपता तो आम मिल जाएगा, सैडनेस दुखी तो बहुत मानव मिल जाएगा, है हैट्रेड नफरत या प्यार ये भी जगह जगह मिलेगी, लेकिन सुंदरता बड़ी मुश्किल से होती है और मिलती है, जो परमानेंट होती नहीं, एक दिन झुरियाँ पड़नी है गालों पर, बूढ़े हो जाएंगे, अतः देखते रहेंगे मेरे बच्चे। नियरेस्ट आंसर चुनना है, 20वीं है, एन एपिटाफ एक वर्क है जो किसी को रेफर करता है, किसी को दर्शाता है, एन एपिटाफ का मतलब इनस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम, किसी गुंबज पर में खुदी हुई लिखी हुई स्मृति लेख जो याद में लिखी जाती है, मृत शरीर के, ऑन ए हाउस नहीं, बाउंड्री नहीं, अतः यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही होगा, ऑन ए टॉम, हाउस पर नहीं, बाउंड्री पर नहीं। 21वां नंबर है, इन चारों में से कौन ऐसा शब्द है जिसको कहा गया इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम इन द मेमोरी ऑफ द डेड, इनमें से कौन ऐसी सॉम है, बात है, शब्द है जो एक इंस्क्रिप्शन है, खुदी हुई लिखी हुई बातें हैं जो टॉम पर लिखी जाती है किसी मृत के यादगारी में, तो उसको एन एपिटाफ कहते हैं, मैक्विटी नहीं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नहीं, अतः क्वेश्चन को उलट पुलट के दिया है, आंसर आपका यहीं पर सही है। अब 2-3 मिनट की हम लोग की सिलसिला बची है, मैचिंग टेस्ट, अतः यह भी ले लीजिए, यही लाइव क्लास होता तो हम आपसे पूछते, आपका आंसर देखते, मिलाते होते, डेढ़ गुना से दो गुना टाइम अधिक होता, मेरे बच्चे चूंकि रिवीजन क्लासेस का नाम है, अतः आइए मैचिंग को देखिए। लिस्ट ए में पोएम्स का नाम है, लिस्ट बी में पोइट्स का नाम है, मैच करना है, आइए चलिए। द सोल्जर को रूपर्ट ब्रुक ने कंपोज किया, अतः वन को आप बी में मार सकते हो। टू ऑटम को पजर के गीत को जॉन किट्स ने किया, अतः आप ए मार सकते हो इसको। स्नेक डी एच लॉरेंस ने रचना किया, ये डी में है, डी मार सकते हो। माय ग्रैंड मदर्स हाउस कमला दास ई में है, अतः ई मार सकते हो। एंड फाइंड हिम, एक जो बच गया उसको मिला दो सी से, यानी के एन दारूवाला, दारूवाला एक टाइटल है, अतः आपको ऐसे नहीं लिखना है ना, चिड़चिड़ी करना है, आपको आंसर लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, आंसर लिखने का तरीका आपके सामने है, वन का बी, सेकंड का ए, डी, ई, और इसके पहले आपका स्वीटेस्ट लव नेक्स्ट टॉपिक इसमें लिखा जा रहा, चूंकि रिकॉर्डिंग है, अतः रिकॉर्डिंग में स्वीटेस्ट लव हो गई, उसी को देखें बार बार। और साथ ही साथ 5 बजे शाम में क्लास होती है, मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, एक दिन वेडनेसडे को गायब रखी गई है, और संडे को कभी कभार छूटे उठेगा, वो मेकअप होगी या कभी कभार टेस्ट होंगे, तो आप लीजिए, यूट्यूब से जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मनोबल बढ़ावें, जय बिहार, जय समस्तीपुर, धन्यवाद।